हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय मिलिसाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे सुपर क्लास पीसीएस से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच वन इज ए ट्रूफिश, इनमें से एक ट्रूफिश कौन है। ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है कटल फिश, ऑप्शन सी है सिल्वर फिश, ऑप्शन डी है फ्लाइंग फिश। तो इनमें से जो ट्रू फिश है वो है फ्लाइंग फिश, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लैडर इज, एयर ब्लैडर है ऑप्शन ए हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन ऑफ बोनी फिशेस, ऑप्शन बी है एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ मैमल्स, ऑप्शन सी है रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन डी है एसीलेन ट्रेट्स। तो एयर ब्लैडर ए है एक प्रकार का हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स वो बोनी फिशेस, जो बोनी फिशेस होती हैं उनका हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, जो कि इनको स्विमिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, बेस्ट एक्वेरियम भारत में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम। तो इंडिया का सबसे बेस्ट जो एक्वेरियम है वो स्थित है मुंबई में, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाड्रामस फिशेस मूव्स, एनाड्रामस फिशेस मूव करती हैं या एनाड्रामस फिशेस ये माइग्रेट करती हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ। ऑप्शन बी है फ्रॉम सी टू एस्ट्रॉय, समुद्र से एस्ट्रॉय की तरफ। ऑप्शन सी है फ्रॉम रिवर टू सी, नदी से समुद्र की तरफ। ऑप्शन डी है फ्रॉम एस्ट्रॉय टू सी, एस्ट्रॉय से सी की तरफ। तो जो एनाड्रामस माइग्रेशन होता है, एनाड्रामस जो फिशेस होती हैं वे स्पॉनिंग के लिए ये समुद्र से फ्रेश या रिवर की तरफ माइग्रेट करती हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर या फ्रॉम सी टू रिवर। जो एनाड्रामस फिशेज होती हैं ये स्पॉनिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए समुद्र से निकल करके नदियों की तरफ जाती हैं, उसी को एनाड्रामस माइग्रेशन कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो फिशेज माइग्रेट करती हैं उन्हें एनाड्रामस फिशेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज विविपेरस, कौन एक विविपेरस है, मीन्स बच्चे देने वाली। ऑप्शन ए है बोनी फिशेस, ऑप्शन बी है लंग फिश, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी शार्क। तो विविपेरस जो है वो है शार्क, जिसे हम स्कालियोडॉन के नाम से जानते हैं या डॉग फिश के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी शार्क। शार्क जो होती है ये विविपेरस होती है, ये बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ फिश, कौन एक मछली है। ऑप्शन ए है सी काऊ, ऑप्शन बी सी कुकुम्बर, ऑप्शन सी है सी हॉर्स, ऑप्शन डी है सी अर्चिन। तो इनमें से जो फिश है वो है सी हॉर्स, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सी हॉर्स, जबकि सी काऊ ये मैमेलिया क्लास के अंतर्गत आती है, सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है और पाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है, और सी अर्चिन भी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है एसोसिएशन बिटवीन सकर फिश रेमोरा एंड शार्क इज, मीन्स सकर फिश रेमोरा और शार्क के बीच का जो संगठन होता है वो होता है ऑप्शन ए सिम्बायोसिस, ऑप्शन बी कमेंसलिज्म, ऑप्शन सी पैरासिटिज्म, ऑप्शन डी प्रेडेशन। तो शार्क फिश और जो सकर फिश होती है जिसे रेमोरा का नाम से जाना जाता है, इनके बीच में जो संगठन होता है वो होता है कमेंसलिज्म का, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग फॉसिल्स इज, लिविंग फॉसिल्स है जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन ए है डॉग फिश, ऑप्शन बी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन सी सेलोकैंथ एलाटीमेरिया, ऑप्शन डी है डोडो। तो लिविंग फिश लिविंग फॉसिल्स जो है वो है सेलोकैंथ या एलाटीमेरिया, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सेलोकैंथ या एलाटीमेरिया। क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेस, बायोलॉजी की शाखा जिसमें मछलियों के अध्ययन
अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी पेसोलॉजी, ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी इक्थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैम्बुसिया इज, गैम्बुसिया है ऑप्शन ए है पैरासिटिक फिश, ऑप्शन बी पेस्ट ऑफ फिशेज, ऑप्शन सी फ्रेश प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, ऑप्शन डी ए मॉस्किटो स्प्रेडिंग येलो फीवर। तो गैम्बुसिया एक प्रकार की फिश है जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी फिश प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, ये मॉस्किटो के लार्वा को ईट करके ख़त्म करती है जिससे मलेरिया नामक डिजीज से छुटकारा मिलता है, मलेरिया डिजीज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसिन ग्लास इज ऑप्टेन फ्रॉम, इसिन ग्लास प्राप्त होता किससे, ऑप्शन ए एयर ब्लैडर, ऑप्शन बी स्केल्स, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो इसिन ग्लास जो प्राप्त होता है एयर ब्लैडर से, मछलियों के एयर ब्लैडर से, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए एयर ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिशेज आर हाईली मॉडिफाइड मासेस ऑफ, मछलियों का इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो कि हाईली मॉडिफाइड होता है किसकी मास का, किसका, ऑप्शन ए है नर्व सेल्स, ऑप्शन बी मसल सेल्स, ऑप्शन सी इलास्टिक फाइबर, ऑप्शन डी वाइट फाइबर। तो जो मछलियों में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये मॉडिफाइड हाईली मॉडिफाइड मास होता है, एक ग्रुप होता है मसल सेल्स का, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी मसल सेल्स। जो मसल सेल्स होती हैं हाईली मॉडिफाइड होकर के एक मास की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं सेल्स का, जो कि मछलियों का इलेक्ट्रिक ऑर्गन का वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लैडर इन ए फिश डज नॉट हेल्प इन, मछलियों में एयर ब्लैडर किस में मदद नहीं करता है, ऑप्शन ए है मूवमेंट, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी साउंड प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है रिस्पायरेशन। तो मछलियों में जो एयर ब्लैडर होता है ये मदद नहीं करता है एक्सक्रीशन में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में मदद नहीं करता, मूवमेंट में मदद करता है, साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है और रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेम्बर्ड हार्ट इज अ फीचर ऑफ, टू चेम्बर्ड हार्ट एक किसका लक्षण है, ऑप्शन है एम्फीबियन, ऑप्शन बी फिशेज, ऑप्शन सी रेप्टाइल, ऑप्शन डी बर्ड, ऑप्शन ई है मैमल्स। तो टू चेम्बर्ड जो हार्ट होता है वो होता है मछलियों का, ये मछलियों का एक करेक्टर है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेक्वाइड स्केल्स आर फाउंड इन, प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन ए स्केलियोडॉन, ऑप्शन बी हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन सी कार्प्स, ऑप्शन डी कटलफिश। तो प्लेक्वाइड जो स्केल्स होती हैं ये पाए जाते हैं स्केलियोडॉन में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए स्केलियोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटाड्रामस फिश माइग्रेट फ्रॉम, कैटाड्रामस फिशेज ये माइग्रेट होती कहाँ से, मीन्स किस तरफ ये माइग्रेट करते हैं, तो ऑप्शन ए है सी टू रिवर, ऑप्शन बी है रिवर टू सी, ऑप्शन सी रिवर टू स्ट्रीम, ऑप्शन डी डीप सी टू सरफेस वाटर। तो एनाड्रामस माइग्रेशन में हमने बताया था कि एनाड्रामस माइग्रेशन ऐसा माइग्रेशन होता है जिसमें मछलियाँ सी से रिवर की तरफ माइग्रेट करती हैं, उसे एनाड्रामस कहा जाता है, जबकि कैटाड्रामस में जो मछलियाँ होती हैं वो रिवर से सी की तरफ माइग्रेट करती हैं, मीन्स स्पॉनिंग के लिए रिप्रोडक्शन के लिए रिवर से सी की तरफ जाती हैं, उन्हीं को कैटाड्रामस फिशेस कहा जाता है, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी रिवर टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इन फिशेज, मछलियों में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है, ऑप्शन ए है थर्मोरिसेप्टर, ऑप्शन बी है रियोरिसेप्टर, ऑप्शन सी है फोनोरिसेप्टर, ऑप्शन डी फोटोरिसेप्टर। तो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी जो मछलियों में होता है वो होता है थर्मोरिसेप्टर, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोरिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिश फेमस फॉर पैरेंटल केयर इज, मछली जो कि प्रसिद्ध है पैरेंटल केयर के लिए,
वो है ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी गैम्बूसिया, ऑप्शन सी लेबियो, ऑप्शन डी स्कैलोडन। तो मछली जो कि प्रसिद्ध है पैरेंटल केयर के लिए, अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से करती है, तो वो है हिप्पोकैम्पस। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में पैरेंटल केयर पाया जाता है और ये पैरेंटल केयर के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉइजनस फिशेज, सबसे ज़्यादा जहरीली मछली है। ऑप्शन ए पोर्क्यूपाइन फिश, ऑप्शन बी स्टोन फिश, ऑप्शन सी कैट फिश, ऑप्शन डी स्कॉर्पियन फिश। तो सबसे ज़्यादा जो विषैली जो मछली है वो है स्टोन फिश। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी स्टोन फिश। स्टोन फिश जो होती है सबसे विषैली मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेस्मोब्रैंकी इज द ग्रुप दैट इंक्लूड, इलेस्मोब्रैंकी एक समूह है जिसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन ए बोनी फिशेस, ऑप्शन बी लंग फिशेस, ऑप्शन सी है कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑप्शन डी लैम्प्रे एंड हैग फिशेस। तो इलेस्मोब्रैंकी एक समूह है जिसमें शामिल होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेजिनस फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस द डार्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू सकर्स, निम्नलिखित में से कौन मछलियों में डार्सल फिन मॉडिफाइड हो जाती है सकर्स में। ऑप्शन ए है टारपीडो, ऑप्शन बी इकाइनिस, ऑप्शन सी है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी न्यू सिरेटोडस। तो इनमें से मछलियों में जिनमें डार्सल फिन मॉडिफाइड हो जाती है सकर्स में जो नंबर बी इकाइनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द कार्टिलेजिनस फिश फ्रॉम द फॉलोइंग, कार्टिलेज निम्नलिखित में से नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कार्टिलेजिनस फिश कौन से है। ऑप्शन ए सिल्वर फिश, ऑप्शन बी गोल्ड फिश, ऑप्शन सी कैट फिश, ऑप्शन डी है डॉग फिश। तो इसमें से जो कार्टिलेजिनस फिश है वो है डॉग फिश। डॉग फिश को स्कैलोडन कहा जाता है, स्कैलोडन को डॉग फिश के सामान्य नाम से जाना जाता है। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी डॉग फिश। डॉग फिश जो होती है कार्टिलेजिनस फिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल्स आर एब्सेंट इन, स्केल्स एब्सेंट होती हैं अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन है सराइनस, ऑप्शन बी वेलेगो, ऑप्शन सी कैटला, ऑप्शन डी स्कॉलियोडान। तो स्केल्स जो होती हैं ये एब्सेंट होती हैं वेलेगो एटू में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी वेलेगो, वेलेगो में जो स्केल्स होते हैं वे एब्सेंट होते हैं। टारपीडो इज कॉमनली नोन एज, टारपीडो सामान्यता कहलाती है। ऑप्शन ए है सकर फिश, ऑप्शन बी गोल्ड ग्लोब फिश, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक रेज, ऑप्शन डी सी हर्स। तो टारपीडो सामान्यतः कहलाती है इलेक्ट्रिक रेज। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक रेज या इलेक्ट्रिक फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विथ प्रीहेंसाइल टेल, एक्वाटिक जलीय जीव जिसमें प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है, पूछ पाई जाती है। ऑप्शन है मकैका, ऑप्शन बी कैमलियन, ऑप्शन सी है इस्क्यूसिटस, ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस। तो प्रेहेंसाइल जो टेल होती हैं ये पाई जाती हैं हिप्पोकैम्पस में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबेरियन आस्किल्स आर फाउंड इन, बेबेरियल आस्किल्स पाया जाता है। ऑप्शन ए है फ्रॉग, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी फिशेज, ऑप्शन डी स्नैक्स। तो बेबेरियन जो आस्किल्स होता है ये पाया जाता है फिशेज में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसिन ग्लास ए टाइप ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री इज प्रिंसिपली यूज फॉर, इसिन ग्लास जो एक प्रकार से फिश इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है जो मुख्यतः यूज किया जाता है किसके लिए। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी फीडिंग कैटल पिग्स एंड पोल्ट्री, ऑप्शन सी प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड वार्निश, ऑप्शन डी क्लेरिफिकेशन ऑफ विनेगर वाइन एंड बियर। तो इसिन ग्लास जो होता है फिश इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है और मुख्यतः यूज़ किया जाता है क्लेरिफिकेशन ऑफ विनेगर वाइन्स एंड बियर। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी क्लेरिफिकेशन ऑफ विनेगर वाइन एंड बियर। क्वेश्चन है
व्हिच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज। निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्केल्स कार्टिलेजिनस फिशेज में पाई जाती हैं? ऑप्शन है गैनोइड, ऑप्शन बी है प्लेकोइड, ऑप्शन सी है टिनोइड्स, ऑप्शन डी साइक्लॉइड। तो कार्टिलेजिनस जो फिशेज होती हैं उनमें प्लेकोइड टाइप का स्केल पाया जाता है, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी प्लेकोइड। जो प्लेकोइड स्केल्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। गैनोइड्स स्केल्स पाए जाते हैं, ऑप्शन ए है लेबियो, ऑप्शन बी एंगुइला, ऑप्शन सी एमिया, ऑप्शन डी लेप्डोस्टियस। तो गैनोइड जो स्केल्स होते हैं ये पाई जाती हैं लेप्डोस्टियस में, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी लेप्डोस्टियस। लेप्डोस्टियस जो फिश होती है उनमें गैनोइड स्केल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंस ऑर्गन फाउंड ओनली इन फिशेज। सेंस ऑर्गन सिर्फ मछलियों में पाया जाता है, ऑप्शन है ऑप्टिक, ऑप्शन बी एल्फैक्ट्री, ऑप्शन सी लेटरल लाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो मछलियों में जो सिर्फ सेंस ऑर्गन पाया जाता है वो पाया जाता है लेटरल लाइन, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी लेटरल लाइन। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।